आईने बड़बुजा बाजार क्यों कहते हैं बता लड़ो ले ले बड़बुजा बाजार इसलिए कहते हैं जो तने या मूंगफली को भूनने वाला होता है उसे। नमस्कार दोस्तों, परछाई या व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी बजे हैं 8:30, मैं इनको कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ। मैं जा रहा है कॉलेज, तो मैं इनको कॉलेज छोड़ के आऊँगा। अभी इसके पास गाड़ी इसको मिलेंगे तो बस स्टैंड तक इसको छोड़ के आऊँगा। और सुबह अभी हवन किया था, देखिए हवन किया था, अमावस्या है इसलिए अमावस्या का हवन किया था। आप भी इसके दर्शन कीजिए और इस शाम को दूसरे काम करेंगे। अभी चलते हैं, मैं इनको छोड़ने के लिए, छोड़ के आने के बाद नाश्ता वगैरह चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे। तो अभी तो इसको छोड़ने चलते हैं। अभी 2 बजे हैं, मैं जाऊंगा बाजार, बाजार से कुछ सामान लेने जाना है। माइक भी आ गया है, तो बाजार से मैं कुछ किताबें लाऊंगा और आज जाऊंगा मैं भड़बुज्जा बाजार। बीकानेर में एक भड़बुज्जा बाजार है जहां सर्दी की खाने की चीजें मिलती है, मूंगफली, पपड़ी, मूढ़ी। ये ऐसा बाजार बीकानेर में ही है, तो अपन चलेंगे भड़बुज्जा बाजार। आप भी मेरे साथ चलिए। एक खंड नहीं ले सकते, या दोनों खंड लेना जरूरी है। आपका काम करने हम बेच सकते हैं, लेकिन वो मालिक को हिंदी वाली बता दो। हिंदी बाजार हम आ गए हैं, देखते हैं बड़बुज्जा बाजार कैसा है। आईने बड़बुज्जा बाजार क्यों कहते हैं बड़बुज्जा बाजार? इसलिए कहते हैं जो तने या मूंगफली को भूनने वाला होता है उसे बड़बुज्जा कहते हैं, इसलिए इसको बड़बुज्जा बाजार। ये आज से नहीं, 50 साल पुराना इतिहास है, इसलिए ये कोई जाति नहीं है, ये बड़बुज्जा एक व्यापार है, एक कार्य है, इसलिए इसे बड़बुज्जा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।